अस्सलाम वालेकुम। आज हम टोर्टिला रैप बनाने जा रहे हैं, तो अलग तरीके से बनाएंगे बिल्कुल। तो उसके लिए हमने ये 1 किलो आटा ले लिया है, मैदा, और उसमें हम दूध डालेंगे। 1 कप दूध डाल देंगे, ये घर पका हुआ दूध है नॉर्मल। और नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून। इसी के साथ साथ हम 1 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे, तो ये हमने पिसी हुई ली है। अब इसमें हम पानी डाल के नॉर्मल और इसे गूंद लेते हैं आटे को। इसे हम गूंद लेते हैं पानी डाल के। देखिए आटा हमने सान लिया है। अब हम इसमें घी डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो अंदर भी मिक्स करके गूंद सकते हैं, लेकिन हम जो है बाहर से ही डाल के इसे गूंदेंगे घी को। घी डाल के ऐसे गूंद लेते हैं। देखिए आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है, और हमने इसमें सानने के बाद पानी नहीं डाला बिल्कुल भी। घी लगा के हमने गूंद लिया, 4 से 5 टीस्पून हमने घी लिया था और वो लगा के गूंद लिया। आप देख सकते हैं कितना चिकना सा आटा हमारा गूंद के तैयार हो गया है। अब इसमें जो है ये ज़रा सा घी बचा हुआ ही ऊपर से लगा देंगे, ताकि आटा खुशक ना हो। ये देखिए अब तो 10 से 15 मिनट हम इसे रख देते हैं ढक के, और फिर दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाते हैं। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हमारा आटे को रखा, अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, तो हम इसमें से पेड़े तोड़ लेते हैं। थोड़े छोटे तोड़ेंगे ये देखिए इस साइज के। तो ये आसान तरीका है, जिनसे ऐसे बनाने नहीं आते होंगे हल्के या पतले आटे के, तो वो ऐसे बना के खाएं जैसे रोल का बनाते हैं, तो ऐसे ही बनते हैं। लेकिन हमने सोचा हम अलग तरीके से दिखाएं जो आसानी से बन जाए। तो ये रख देते हैं हम बना बना के थोड़े से। देखिए हमने 10 पेड़े बना लिए, तो इसको अब हम बना लेते हैं। हल्का हल्का सा आटे में कोट करेंगे, या तो इसे ऐसे चंगेर बना लें, ज़्यादा आटा ना लगाएं। तो इसको अब हम बेल लेंगे, तो इसको हम रोटी के साइज का बेल लेंगे इसे बराबर से। ये देखिए इतने बड़े साइज के हमने बेल लिए रोटी, ये इतना मोटा है, बिल्कुल पतला नहीं चाहिए। ये टोटेला रैप हमारा बनके तैयार है। इधर हमने तवा रख दिया, कुछ भी नहीं लगाना है, तो हमारा गर्म हो गया, तो इसको उठा के हम ऐसे ही डाल देंगे। ये देखिए सिक गया है, इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, तो बस हल्का हल्का ही ऐसे सेकना है, तो कच्चा ना रहे बस। तो ऐसे ही आप बना के जो है रख भी सकते हैं फ्रीजर में, इसको रैप करके पन्नी में। तो इसे हमें ज़्यादा फुला के पकाना नहीं है, बस सेकना है, तो सेक लेते हैं। देखिए सिक गया, बस अब हम ऐसे ही उतार लेंगे इनको, और ऐसे ही और बना लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। देखिए बिल्कुल एकदम तैयार हो गया, अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और सब ऐसे ही बना लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। देखिए टोर्टिला रैप बनाने के लिए तो हमने बना लिए हैं बिना उसके। अगर चाहे आपको लगे कि फूल रहे हैं, तो ऐसा आप कंघा ले लें नया बिल्कुल एकदम, और उसके अच्छे से धो लें, तो उसको जो है आप ऐसे करके और ऐसे इसमें कर सकते हैं, ताकि वो फूले नहीं। देखिए तो हम इसको जो है ऐसे उठा के और ऐसे ही डाल देंगे तवे पे। ये हमने बना है तो ये फूले नहीं है, फिर भी सबके उसके लिए हमने दिखा दिया है, तो ये ऐसे ही बना के रख लेते हैं। देखिए हमारे टोर्टिला रैप बन के तैयार हो गए, बहुत ही बढ़िया से देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से। तो इनको जो है आप प्लास्टिक फॉइल में करके या किसी में भी करके आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं, तो ये 1 हफ्ते तक आराम से कुछ भी बनाना चाहें जल्दी से निकालें और बना लें। थोड़ी देर उनको बाहर रखना पड़ेगा, तो ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है डली हुई जिससे ये ख़राब हो, तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी।
चाहे आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी ये रेसिपी, और कुछ कुछ बनवाना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम वो ज़रूर ट्राई करेंगे, आप सबके लिए बना के डालेंगे वो चीज़ें। और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।